तो दोस्तों, आपने इंडिया में अभी जम्मू कश्मीर के इशू के बारे में बहुत सुना होगा, आपने चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस के बारे में सुना होगा, और पाकिस्तान की धमकियां तो न्यूज़ चैनल्स दिखाते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपने जो इंडिया में 48 सालों से एक जंग चली आ रही है, एक तरह से एक सिविल वॉर है जिसे नक्सलीट मूवमेंट भी कहा जाता है, क्या आपने इसके बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नक्सलीट मूवमेंट क्या है, इसकी कैसे शुरुआत हुई और इसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़े हैं हमारे ऊपर, या फिर इस सोसाइटी के ऊपर, या कॉमन लोगों के ऊपर इसके कैसे प्रभाव पड़े हैं। और फिर मैं आपसे बात करूँगा कि क्यों इतने ज़्यादा लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, और ज़्यादातर क्यों आदिवासीज ही इस मूवमेंट का हिस्सा बने हैं। तो अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियोज़ आती रहती हैं, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लेना था जो आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कि इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। तो इस मूवमेंट की शुरुआत वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही छोटे से गांव जिसका नाम नक्सलबाड़ी है, उससे हुई थी। वहां पे 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो छोटा सा ग्रुप था उसके लोगों ने एक मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो एक तरह से एक हथियारबंद विद्रोह था उस समय के जो खुशहाल लोग थे, जैसे कि उस समय के बड़े बड़े जमींदार थे, उनके खिलाफ एक विरोध था। ये विरोध कोई ऐसा वैसा विरोध नहीं था जैसे धरना प्रदर्शन नहीं था, सिर्फ इसमें उन लोगों ने हथियार उठाए थे इन लोगों के खिलाफ, ताकि जो वो इनका जो शोषण करते हैं उसको रोका जाए। तो यहाँ से नक्सलीट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो इसके जो मेन लीडर्स हैं वो थे चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल। और इस मूवमेंट को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिला, और ये मूवमेंट छोटे से गांव से लेकर एक बड़ी मूवमेंट पूरे देश तक में फैल गई। और आज इस मूवमेंट से 12 से ज़्यादा स्टेट्स प्रभावित हैं। जिस मूवमेंट की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी तो वो इतनी बड़ी कैसे बन गई, तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो अब इस मूवमेंट से दोस्तों, जो एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, अब 12 से ज़्यादा स्टेट्स प्रभावित हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा मेन स्टेट्स हैं वो हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन स्टेट्स में ये नक्सलीट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो छोटे से गांव से शुरुआत हुई थी इस मूवमेंट की, छोटे लेवल पे, तो ये इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे बन गई, इतने स्टेट्स में कैसे फैल गई? तो इसके मेन कारण थे दोस्तों कि ये जो मूवमेंट शुरुआत हुई थी, ये मूवमेंट के बीच में और सरकार के बीच में फंस गए आदिवासी लोग, क्योंकि इन आदिवासी लोगों के पास अपनी आमदन का कोई ज़्यादा सोर्स नहीं थे, लेकिन सिर्फ इनकी ज़मीन थी, जो ज़मीन को सरकार ने मिनरल्स को निकालने के लिए, क्योंकि इन स्टेट्स में मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, करोड़ों की कीमत के मिनरल्स हैं, और इसी के कारण इन लोगों से इनकी ज़मीन छीनी जाने लग गई, और यहाँ पे ये लोग रहते थे, इन्हें वहाँ से निकाला जाना शुरू हो गया। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जिनके पास खाने का कोई और साधन नहीं रहा, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई, और अपना सब कुछ गवा बैठने के डर से ये लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन करने लगे, क्योंकि इससे इन्हें कुछ उम्मीद मिलती थी कि अगर हम सफल हुए तो कम से कम हम अच्छे से खा पी तो सकेंगे और अपने अकॉर्डिंग रह तो सकेंगे। सबसे बड़ा यही कारण था। और दूसरा कारण था कि उस समय के जो भी बड़े लोग थे, बड़ी क्लासेस के लोग थे, वो इन छोटे लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, और इसी की वजह से जे इन लोगों ने मिलकर इस मूवमेंट को बढ़ाया, और इतनी जल्दी ये मूवमेंट छोटी सी मूवमेंट से लेकर एक बड़ा हथियारबंद विद्रोह के रूप में बदल गई। और इसमें कुछ कारण इसको इतना बढ़ने में गवर्नमेंट की नेगलिजेंस भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शुरू में ऐसे बयान दिए कि ये मूवमेंट छोटी सी मूवमेंट है और वहाँ के लोगों का एक लॉ के खिलाफ प्रदर्शन है, इन्होंने इसीलिए इसे लोकल प्रशासन वहाँ का बहुत संभाल लेगा, लेकिन उन्होंने इसके मेन रूट्स जो हैं, मेन कारण हैं कि क्यों ये लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, इनका पता लगाना नहीं चाहा, और उनको प्रेशर किया, उनको फोर्स से दबाने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री से उन्हें दबाने की कोशिश की गई, इसी के कारण इस मूवमेंट को इतना बढ़ावा मिला। और इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस मूवमेंट के असर क्या हुआ, इस मूवमेंट का क्या इफ़ेक्ट्स थे हमारे ऊपर। तो इस मूवमेंट में सबसे पहले तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग मरे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैज़ बीन किल्ड इन दिस मूवमेंट, हज़ारों लोग इस मूवमेंट में मारे जा चुके हैं। अभी स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि 1980 से लेकर अब तक कितने ज़्यादा लोग मरे जा चुके हैं इस मूवमेंट के कारण, और इसमें नॉर्मल लोग भी शामिल हैं जो ना ही मिलिट्री में थे और ना ही इस मूवमेंट के साथ थे, लेकिन वो नॉर्मल सिविलियन थे, लेकिन फिर भी मिलिट्री ने उनको टॉर्चर किया, क्योंकि उनको लगता था कि हो सकता है ये भी इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हों, और बहुत ज़्यादा घरों को जला दिया गया है मिलिट्री के द्वारा, और इसी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं।
और अल जजीरा के मुताबिक अब तक 1980 से लेकर 2011 तक 10,000 से ज़्यादा लोग इस मूवमेंट में मारे जा चुके हैं। तो ये जो मूवमेंट थी दोस्तों, ये एक अच्छे काम के लिए शुरू हुई थी। इसका मेन मकसद था कि जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो बहुत निचले वर्ग के लोग हैं, उन्हें ऊपर उठाया जाए, और जो ज़िम्मेदार वगैरह हैं, जो भी बड़े लोग हैं वो उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें रोका जाए। तो ऐसे में इस मूवमेंट की शुरुआत जो थी वो एक बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए हुई थी, लेकिन वो पर्पस आज कहीं ना कहीं अचीव होता नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रेवेलियन में एक तरह से इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।